हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं रंजीत और आज मैं आया हूं मुंब्रा में, मुंबई से करीब 35 किलोमीटर दूर। और आज मैं आप लोगों को लेकर जाने वाला हूं एक ऐसे पहाड़ पर, इस पर दुर्गा माता का एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां पे आपको 9 स्वरूपों का, यानी कि दुर्गा माता के 9 रूपों का दर्शन एक साथ हो जाएगा। ये मंदिर काफी माना हुआ है और इसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो मैंने सोचा चलिए इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मंदिर करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर है और 780 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। तो आइए इस सफर को शुरू से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में स्थित पारसिक हिल और इस हिल पर बना दुर्गा माता का एक अनोखा सा मंदिर। इस मंदिर को कई लोगों ने आते जाते थाने और कल्याण के बीच में रेल यात्रा के दौरान देखा होगा और सभी के मन में ये सवाल भी उठा होगा कि आखिर ये मंदिर है किसका। आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मौजूद है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पहुंच चुका हूं मुंब्रा स्टेशन और मुंब्रा स्टेशन के बिल्कुल ऊपर आपको दिखाई देगा ये देवी का मंदिर। आप किसी भी स्लो ट्रेन से मुंब्रा स्टेशन आ सकते हैं और मुंब्रा स्टेशन आने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर आ जाना है ईस्ट साइड की तरफ और बढ़ना है राइट की ओर। राइट की ओर आने के बाद आपको दिखाई देगा ये साइन बोर्ड आई लव आई मुंब्रा देवी का और उसके ही बिल्कुल सामने है प्रवेश द्वार मंदिर का। मैं खड़ा हूँ एग्जैक्टली मंदिर के प्रवेश द्वार के नीचे और मंदिर तक जाने का रास्ता गुजरता है इन बिल्डिंगों के बीच से। ये है मुंब्रा देवी मंदिर का पैता, यहाँ से शुरुआत हो जाती है। यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाके सामने वाली पहाड़ पे है माता का मंदिर। देवी का ये मंदिर 1500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 780 सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। थोड़ा आगे आने पर आपको दिखाई देगा मंदिराकड़े जाने का मार्ग लिखा हुआ इस चैनल के नीचे से। तो इस चैनल से होकर हम जब आगे गुजरते हैं तो यहाँ से एक्चुअल सीढ़ियाँ शुरू होती है। ये है रास्ता और बिल्कुल सामने है आई मुंब्रा देवी प्रवेश द्वार और ये रहा मंदिर। दर्शन के साथ अगर आप नेचर का भी मजा लेना चाहते हैं तो आपके लिए रेनी और विंटर सीजन बेस्ट है यहाँ आने के लिए। ये मंदिर ऊंचाई पर तो है बट यहाँ पर सीढ़ियाँ इस तरह से बनाई गई है कि यहाँ पे हर उम्र के लोग आ सकते हैं। दोस्तों, करीब 5 मिनट की चढ़ाई करने के बाद मैं पहुंच गया हूँ मंदिर के पहले पड़ाव पे जहाँ पे है हनुमान जी का और आसरा देवी का मंदिर। तो चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं हनुमान जी के। ये है हनुमान जी, जय श्री राम। और इन्हीं के बिल्कुल बगल में है आसरा देवी का मंदिर जिन्हें मुंब्रा देवी की बहनों के रूप में यहाँ पूजा जाता है। पहले पड़ाव के बाद मैंने चढ़ाई फिर से शुरू कर दी है। बस मैं चढ़ते ही चढ़ते जा रहा हूँ सीढ़ियाँ गिनते हुए। अभी तक मुझे मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है और मैं हाफ वे में पहुंच गया हूँ। वैसे रेनी सीजन में आप यहाँ पे गर्मा गर्म भुट्टो का भी मजा ले सकते हैं जैसे मैंने लिया अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर। मैं काफी एक्साइटेड था कि मैं मंदिर तक कब पहुंचूंगा, मगर ये सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मुझे अचानक से मंदिर दिखाई दिया और मैंने राहत की सांस ली। रास्ते में मुझे ये पेड़ दिखाई दिया जिस पर लोगों ने कई सारी चुन्नियां और बैंगल्स बांधे थे और इसी को लोग यहाँ पे मन्नत का पेड़ भी मानते हैं। 20 मिनट की चढ़ाई करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच गया हूँ देवी के मंदिर में। तो आइए हाथ पैर धोते हैं और अंदर चलकर देवी के दर्शन करते हैं। मंदिर के बाहर आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं इन्हें मंदिर के रक्षक के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है। और थोड़ा आगे आने पर आपको दिखाई देगा एक दुकान जहाँ से आप पूजा की सामग्री के अलावा प्रसाद वगैरह यहाँ से खरीद सकते हैं। मुख्य मंदिर में आते ही सबसे पहले आपको दर्शन हो जाते हैं भैरव जी के जिन्हें शिव जी का ही एक अवतार माना गया है। फिर आप दर्शन कर सकते हैं मुंब्रा देवी के जहाँ पर मुंब्रा देवी दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों के साथ विराजमान है। थोड़ा आगे आने पर आप देख सकते हैं वो जगह जहाँ पर कई सालों पहले एक ज्वाला प्रज्वलित हुई थी और लोगों को देवी का दर्शन यहाँ पे हुआ था। और इसी के बाजू में है गवली दादा का मंदिर। तो मैंने मेरी चढ़ाई शुरू की थी उस पॉइंट से और अब मैं हूँ 1500 फीट ऊपर यहाँ इस मंदिर में। जितना मुझे इस मंदिर के बारे में पता था वो सारी बातें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो आइए कुछ और बातें हैं जो यहाँ के पंडित जी से हम जानते हैं। जय माता दी जी। ये मंदिर के बारे में कुछ बताएंगे? ये प्राचीन पांडव काल का मंदिर है, प्राचीन स्वयंभू मंदिर है। यहाँ पे नाना दादा भगत रहते थे तो उनको दर्शन दिया माता ने। ऊपर की मुंब्रा देवी माता है, नीचे का नवदुर्गा माता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा,
पुष्टमांडा सकंद माता कात्यायनी कालरात्रि महागौरी श्रीदात्री नमः, ये नव दुर्गा माता है। ऊपर की मुमरा देवी माता है, मतलब आदिशक्ति माता है। जो मन्नत बोलते हैं वो पूरा होता है। नवरात्र में यात्रा भरती है, महाशिवरात्रि में यात्रा भरती है। ये वाला प्रवेश द्वार है माता जी का। पहले यहाँ पे जोत जलती थी प्राचीन पांडव काल में, तो यहाँ पे आके नाना दादा ये लोग जो गाँव वाले सब लोग आके देखे तो क्या है, साक्षात दर्शन हुआ माता का, तो तब से पूजा पाठ चालू है। ये माता जी के भाई है विष्णु भगवान और वो गाड़ी वाले बाबा, मतलब बैलगाड़ी पे सवार है माता रानी। इस मंदिर को अनोखा इसलिए भी माना गया है क्योंकि इस मंदिर में आपको दुर्गा देवी के 9 स्वरूपों का दर्शन एक साथ मिल जाता है, जो बाकी किसी और मंदिर में नहीं मिलता। तो दोस्तों, मंदिर से जो बाहर का नज़ारा दिखता है वो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। ये आपके सामने आप देख रहे हैं उल्लास नदी, और यहाँ से पूरा कल्याण डोंबिवली शहर दिख रहा है, और ये पहाड़ों की श्रृंखला बहुत ही खूबसूरत लग रही है। यहाँ से नीचे जो ट्रेन्स गुजरती है वो बिल्कुल किसी टॉय ट्रेन जैसी लगती है। इन्हें देखने में जो आनंद जो मज़ा आ रहा है क्या ही कहूँ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। इस मंदिर में लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है, और ऐसा होने पर लोग यहाँ पर घंटियाँ और झूले बांधने आते हैं, और मुर्गियाँ छोड़ने की प्रथा भी यहाँ पे चलती आ रही है। तो हमने बात की ऐसी ही एक भक्त से जिनकी मनोकामना पूरी हुई और वो देवी में बहुत ही ज्यादा आस्था रखती है। ये मुंब्राचं मंदिर है, फेमस मंदिर है, तर नवदुर्गाचं म्हणून मानलं जातं। लोक आवडीने आशेने वगैरे पाया पडायला येतात। आज लहानापासून आम्ही इकडे येतो, एका व्यक्तीची इच्छा होती त्याची पूर्ण झाली, तर त्याच्यासाठी आम्ही कोंबडा पण सोडायला आलेलो। म्हणजे नवसाला पावणारी देवी आहे आणि जागृत माता आहे। मुंब्रा देवी का यह मंदिर वाकई में एक जागृत मंदिर है, और यहाँ आने के बाद मुझे भी पॉजिटिविटी का अनुभव हो रहा है। तो आप भी आइए अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ, और दर्शन कीजिए मुंब्रा देवी के साथ साथ दुर्गा माता के 9 स्वरूपों का। तो दोस्तों, मेरा दर्शन पूरा हुआ। यहाँ से जो नीचे का नज़ारा है वो भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ आने के लिए मानसून और विंटर का सीज़न बहुत ही प्यारा है। यहाँ आइए, देवी के रूप के दर्शन कीजिए, और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो दिल से दुआ करने पर वो ज़रूर पूरी होगी। कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।